नाइन्थ का क्वेश्चन नंबर 16 है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। हमें ज्ञात करना है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है और सिद्ध करना है कि ये जो है वो 6 मीटर है। हमें क्या दिया गया है, एक मीनार दी गई है। पहले मान लीजिए हमारी मीनार है, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं, माना यह है उसकी ऊंचाई है h मीटर। अब सरल रेखा में 4 मीटर, कोई एक सरल रेखा है, यहाँ से सरल रेखा में 4 मीटर मान लीजिए, ये हमारे यहाँ पे, यहाँ से हमारा 4 मीटर होता है, ये हमारा 4 मीटर, और दूसरा क्या बोलता है, 4 मीटर और 9 मीटर, ये मान लीजिए ये हमारा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये है हमारा 9 मीटर। स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, इन दो बिंदुओं से, ये मान लीजिए हमारा है ए बिंदु, ये हमारा बिंदु बी, ये हमारा बिंदु, मीनार का जो पाद बिंदु है सी, और ये शिखर जो है इसको हम डी ले लेते हैं। अब दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, जो ये कोण है जो यहाँ से उन्नयन कोण जो बन रहे हैं, ये कोण ये और ये जो हैं पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए कि पूरक कोण होते क्या हैं। पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री हो। जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो, पूरक कोण है। एक कोण हम मान लेते हैं कि ये है हमारा थीटा डिग्री, तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा डिग्री, तभी ये कोण पूरक कोण होंगे। और हमें ज्ञात करना है सी डी। तो आइए हल करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले मानते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर है सी डी मीटर। अब सी बी बराबर है 4 मीटर, जो हमें, और सी बी जो है वो मानते हैं हम 4 मीटर, और सी ए बराबर है 9 मीटर। और क्या है, बिंदु बी और बिंदु ए पर जो उन्नयन कोण बनते हैं, बिंदु बी पर बनता है थीटा डिग्री, बिंदु ए पर 90 माइनस थीटा डिग्री उन्नयन कोण बनता है। अब हमें क्या देखिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है कि दो ट्रायंगल बन रही हैं बी सी डी और ए सी डी, इनमें कॉमन क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस, और ये होता है हमारा हाइपोटन्यूज। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम देखेंगे कि कौन सा रहेगा, साइन कॉस टेन कौन सा रिलेशन रहेगा। तो हमें याद था वो हमने किया था साइन इस तरह से कॉस, और ये टेंजेंट क्या रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर और बेस हमें चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमें दिया गया है, तो कौन सा एंगल लगेगा हमें, कौन सा लगेगा, साइन कॉस टेंजेंट में से टेंजेंट ऑफ थीटा डिग्री। तो इसे अब हल करते हैं, हम लेते हैं ट्रायंगल, पहले कौन सी ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, पहले हम लेते हैं बी सी डी में, बी सी डी में। अब टेंजेंट ऑफ थीटा डिग्री कितना आएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, सी डी, बेस कितना है हमारा, हमारा बेस है बी सी। अब सी डी कितना है हमारा, सी डी है हमारा एच मीटर, ये हमारा एच, और बी सी कितना दिया गया है हमें, बी सी दिया गया हमें 4, राइट। अब टेंजेंट ऑफ थीटा डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, एच अपॉन 4। इसे हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ए सी डी, तो ये भी कैसी त्रिभुज है हमारी, ये हमारी जो त्रिभुज है ये है समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे जो कोण बन रहा है मीनार है, तो ये धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो समकोण त्रिभुज, अब कौन सा है, ए सी डी में,
इसमें भी वही है, देखिए परपेंडिकुलर और बेस है तो टेंजेंट थीटा आएगा, थीटा कितना है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा डिग्री जो कोण है वो ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस बार परपेंडिकुलर कितना है सेम वही रहेगा परपेंडिकुलर सी डी, और बेस कितना हो गया, अब बेस हो गया है ए सी बराबर है ए सी, सी डी कितना है हमारा एच और ए सी कितना है 9। अब देखिए टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉट थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा जो है वो होता है हमारा कॉट ऑफ थीटा राइट। अब ये हो जाएगा हमारा, पहले इसको एक स्टेप में टेंजेंट 90 माइनस थीटा हो गया हमारा कॉट ऑफ थीटा डिग्री, और ये क्या हो गया एच अपॉन 9। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको हल करते हैं, एक को समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर तुम्हें क्या प्राप्त होगा, देखिए टेंजेंट ऑफ थीटा इंटू ये क्या है कॉट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना है एच अपॉन, यहाँ कितना था 4, एच अपॉन 4 इंटू ये कितना है हमारा एच अपॉन 9। अब टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट थीटा इंटू 1 अपॉन टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 36। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ थीटा राइट। ये हमारा हो गया, अब ये हम आपस में कट जाएगा 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 36, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दस एच इज इक्वल टू 6 मीटर। तो जो हमारी मीनार की ऊंचाई है वो कितनी आई, 6 मीटर, और यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। तो आसानी से हो गया, इस प्रकार जो है हम इस प्रश्न को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।